हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। वैसे मेरे हिसाब से सिविक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। बाकी सब्जेक्ट्स हमारी लाइफ से इतने क्लोजली जुड़े हुए नहीं होते जितना कि सिविक्स जुड़ा होता है। सो लेट्स गो ऑन टू अंडरस्टैंडिंग दिस चैप्टर। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेमोक्रेसी की वो डेफिनेशन बता देता हूं जो मुझे पूरा विश्वास है आपको पता होगी। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। अच्छा, अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर जो हम कहते हैं वो ये है कि जो लीडर होता है, जो रूलर होता है, he or she should be elected by the people of that particular country. Now हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट फीचर्स की। तो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी के चार इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला, ऑल द मेजर डिसीजंस इन द कंट्री आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। द इलेक्शंस ऑफर अ फेयर चॉइस टू द पीपल। All people have equal opportunity to choose their leader. And fourth, the government is limited by the rules of the constitution. तो चलिए अब हम इन चारों फीचर्स को एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहला फीचर क्या था? All the major decisions in the country should be taken by the leader elected by the people of the country. हम एग्जाम्पल लेते हैं पाकिस्तान का। पाकिस्तान में एक पर्सन हुए थे जिनका नाम था जनरल परवेज मुशर्रफ। वो वहां की आर्मी के चीफ थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1999 में एक मिलिट्री कू को लीड किया एंड ही ओवरथ्रू द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री वॉज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, लेकिन उन्होंने उसको हटा दिया। कुछ टाइम बाद ही हिमसेल्फ took the designation of the president of the country. और साल 2002 में उन्होंने क्या किया, he made some changes to the constitution, जिससे उनको और ज्यादा पावर मिल गए, उनको अपने टर्म का एक्सटेंशन मिल गया। अब वहां के लोगों ने यह कहा था कि जो परवेज मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए हैं वो डेमोक्रेटिकली नहीं किए थे, उन्होंने कुछ फ्रॉड के जरिए ये काम किए थे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि व्हेन जनरल परवेज मुशर्रफ बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शंस वर हेल्ड इन डिफरेंट प्रोविंसेस, लेकिन प्रेसिडेंट को एक अथॉरिटी मिल गई थी कि ही कुड डिसमिस एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इवन द नेशनल गवर्नमेंट। अब आप बताइए, एक पर्सन जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है, वो एक ऐसी गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। Do you call it democracy? No, it is not. तो ultimate जो हम कहते हैं ultimate decision जो लेना है, it should be taken by the leader who has been chosen by the people. Now we go to the second feature of democracy, that is elections offer a fair choice to the people. हम examples लेते हैं। First example of Mexico. Mexico में 1930 से elections होते आ रहे हैं, लेकिन वहां के सारे इलेक्शंस एक पार्टी ने जीते हैं जिसका नाम है PRI। अब इसका फुल फॉर्म थोड़ा अनयूजुअल है, इसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। अब ऐसा कहा जाता है कि वो जो सारे इलेक्शंस जीते थे तो उन्होंने उसमें कुछ गलत चीजें, देयर वर सम मैल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्वड। इट इज सेड दैट द टीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स फोर्स द पेरेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स to vote in favor of the government. कभी कभी क्या होता था कि एकदम लास्ट मोमेंट पे पोलिंग बूथ को शिफ्ट कर दिया जाता था, सो पीपल डिड नॉट गेट अ चांस टू वोट। ये एग्जाम्पल है मेक्सिको। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जो हमारे पड़ोसी का ही है, दैट इज चाइना। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है। अब वहां पर हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं पार्लियामेंट के। देर आर 3,000 मेंबर्स हु आर इलेक्टेड, लेकिन वहां पर कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? एक पर्सन, एक कैंडिडेट तभी इलेक्ट किया जा सकता है जब उसको अप्रूवल मिले कम्युनिस्ट पार्टी का। कम्युनिस्ट पार्टी जो है दैट इज द रूलिंग पार्टी ऑफ चाइना।
अगर आपको उस पार्टी से अप्रूवल नहीं मिलता है, यू कैन नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, पहली बात। और दूसरी बात, अल्टीमेटली द गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। आप बताइए, वुड यू कॉल दीज इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? इलेक्शंस हो रहे हैं लेकिन हमको पता है कौन जीतेगा, प्रेसिडेंट कौन सी पार्टी का बनने वाला है हमको पता है। सो डू यू कॉल दीज इलेक्शंस फ्री एंड फेयर? So, of course, you wouldn't say that these elections are democratic. तो जो second feature है, the elections should offer free and fair choice to the people. Now, the third feature of democracy is all the people should have an equal opportunity to choose their leader. इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप इंडिया की बात करें, तो 18 years के ऊपर के सारे लोगों को, irrespective of whether the person is a man or a woman, rich or poor, belonging to one religion or the other, they can vote. और हर person के vote की value equal होती है। अब आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है कि यार of course यही तो होगा, सबके vote की value बराबर तो होती है, इसमें नया क्या है? लेकिन कुछ टाइम पहले तक बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता था कि वीमेन डिड नॉट हैव द राइट टू वोट, एंड इन सम प्लेसेस वेयर वीमेन हैव द राइट टू वोट, उनके वोट की वैल्यू कम होती थी एज कंपेयर टू अ मैन्स वोट। गरीबों को अगर आप बात करें, फ्रांस में हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि फ्रांस में पहले उन्हीं लोगों को वोट देने का राइट था जो जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, सब लोगों के पास राइट नहीं था। So, इस तरह के इलेक्शंस जो होते हैं, दे आर नॉट ट्रू इलेक्शंस, और इस तरह के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं कहा जाता है। अब हम इसी एग्जाम्पल को लेते हैं कि पहले जिनके पास प्रॉपर्टी थी वो ही वोट डाल सकते थे। अब आप गेस कीजिए, प्रॉपर्टी किसके पास होगी, अमीरों के पास या गरीबों के पास? ऑफकोर्स दे वर रिच बिजनेस पीपल। अब वो वोट किसको देंगे, एक ऐसे पार्टी को जो गरीबों का ध्यान रखे, या एक ऐसी पार्टी का जो अमीरों का ध्यान रखे? नेचुरली हर कोई अपने बेनिफिट का सोचता था, तो इससे क्या होता था, वो एक ऐसी पार्टी को चूज करते थे जो उनको फेवर करती थी और अल्टीमेटली उनको बेनिफिट ज्यादा होते थे, तो अमीर ज्यादा अमीर हो गए थे और गरीब जो थे उनकी हालात और बुरे हो गए थे। तो हम डेफिनेटली ये नहीं चाहते, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है उसका एसेंस ही होता है इक्वालिटी। डेमोक्रेसी में हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, और इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शंस में भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। फोर्थ एंड लास्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट शुड बी लिमिटेड बाय द रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे गॉट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1980, और वहां पर एक पार्टी जो है वो पावर में आई और उसका नाम था जानू पीएफ। उस पार्टी के हेड जो थे रॉबर्ट मुगाबे, ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। ऑफ कोर्स वो जो गवर्नमेंट थी इट वाज इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली, लेकिन हुआ क्या, उसके बाद में पावर में बने रहने के लिए रॉबर्ट मुगाबे ने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए, जैसे जनरल परवेज मुशर्रफ ने किए थे सिमिलरली। बट अगर आप ये डिफरेंस देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज नॉट इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली बट रॉबर्ट मुगाबे वाज। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने रूल्स को चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन के, ताकि वो उनके उनको और ज्यादा पावर मिले। तो डेफिनेटली हम ये तो नहीं चाहेंगे कि कोई एक पर्सन पावर में आया और वो रूल्स को अपने हिसाब से चेंज कर ले। अगर ऐसा होता है तो ऑफ कोर्स डेमोक्रेसी जो है वो हेल्दी नहीं बन सकती। तो हमें चाहिए कि एक रूल्स का सेट हो हमारे पास, एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, और जो रूलर चूज कर रहे हैं हम, ही हैज टू अबाइड बाय द रूल्स, तभी एक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो सकती है। Today, democracy is the most common form of government. ज्यादातर countries में democratic form of government ही follow किया जाता है। हालांकि democracy के कुछ disadvantages भी हैं। There are some arguments against democracy and there are some in favor of democracy. तो चलिए पहले हम discuss करते हैं वो arguments that are against democracy. First one, अगर हम बात करें, the leaders keep changing. So it gives instability to the country. अभी एक person है, उनकी government है, उन्होंने कुछ rules बनाए, उस party ने कुछ rules बनाए कि चलो हम ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसी ऐसी schemes लेके आए, ठीक है। अब 5 साल में ही तो पूरी country develop नहीं हो गई,
कुछ स्कीम्स उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, कुछ बची हुई थी, आधी अधूरी थी। मान लीजिए गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब क्या होगा? नई गवर्नमेंट जो आएगी वो बोलेंगे कि नहीं नहीं ये स्कीम तो अच्छी थी नहीं, उस स्कीम को उन्होंने ड्रॉप कर दिया। अब हुआ क्या कि आधी स्कीम इंप्लीमेंट हो गई थी, आपके पैसे उसमें लगे हैं, तो उस पैसे का लगभग जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिला, तो आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, कहीं ना कहीं कंट्री को नुकसान तो हुआ। तो ये एक डिसएडवांटेज है, दैट इट गिव्स इनस्टेबिलिटी टू द पॉलिसीज। दूसरा डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि देयर इज पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ विच देयर इज नो मोरालिटी एंड इट लीड्स टू करप्शन। देखिए एक पार्टी का अल्टीमेट एम क्या होता है, टू विन द इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट सो दैट दे स्टे इन पावर। अब उसके लिए ज्यादातर तो वो अच्छे काम करेंगे, लेकिन हो सकता है पावर में आने के लिए या पावर में बने रहने के लिए वो कुछ ऐसे काम भी करें जो इमोरल है, जो गलत है, तो पीपल विल बी करप्ट, वोंट दे। तो इस तरह के हम ऑफकोर्स हमें ऐसे लीडर्स तो नहीं चाहते ना जो करप्ट हो, जिनका प्राइमरी एम है पावर में बने रहना, न कि कंट्री के लिए काम करना। सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज। थर्ड डिसएडवांटेज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो है डिले इन डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक जो है इन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, इस कारण टाइम बहुत लग जाता है। मान लीजिए एक नया रूल बनाना है तो उसके के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ड्राफ्ट जाएगा लोकसभा में, वहां से क्लियर होके वो जाएगा राज्यसभा में, देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट वापस भेजता है रिव्यू के लिए तो फिर उसमें कुछ चेंजेस होंगे या नहीं होंगे, व्हाटएवर द केस इज, द प्रोसेस इज लॉन्ग एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग। तो डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाता है। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी के डेफिनेटली एडवांटेजेस हैं, लेकिन इन डिसएडवांटेजेस के कारण कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि डेमोक्रेसी इज नॉट ए राइट चॉइस फॉर अस। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ये पॉइंट्स हमें ये बताते हैं कि डेमोक्रेसी क्यों सबसे अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एंड जहां तक मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो ज्यादा लॉजिकल है हम लोगों के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो डेमोक्रेसी का वो ये है दैट इट इज ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन द ईयर 1958, मतलब 1958 से लगाकर 1961 तक, चाइना वॉज हिट बाय ए फैमिन, अकाल पड़ा था वहां पर, लगभग 3 करोड़ लोगों की डेथ हुई थी। चाइना के साथ साथ इंडिया में भी अकाल पड़ा था, लेकिन इंडिया में उसका असर इतना बुरा नहीं था। अच्छा अब अगर आप बात करें, चाइना वॉज अ पुअर कंट्री एंड सो वॉज इंडिया, लेकिन इंडिया में उसका असर इतना कम क्यों था, क्योंकि इंडिया एट दैट टाइम ऑल्सो वॉज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और जो गवर्नमेंट थी इट वॉज मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल। तो हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो लोगों के लिए सही थी। तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो लोगों के बारे में ज्यादा अकाउंटेबल होती है दिस गवर्नमेंट, एंड हेंस पीपल लीड अ बेटर लाइफ। एक और इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है वो डेमोक्रेसी का वो ये है, और एडवांटेज जिसको हमने डिसएडवांटेज में भी इंक्लूड किया है वो ये है कि कोई भी डिसीजन लेने के पहले कंसल्टेशन होता है बहुत ज्यादा। अब आप बताइए जब अलग अलग डिपार्टमेंट से या अलग अलग लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन हुआ है और फिर कोई पॉलिसी बनी है, तो वो पॉलिसी ज्यादा अच्छी होगी या कोई एक आदमी उठ के आ गया और बोला कि नहीं हमें ये पॉलिसी बनानी है, वो पॉलिसी ज्यादा सही होगी? नेचुरली जो पॉलिसी ज्यादा डिस्कशन के बाद बनी है, हमने उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब चीजों को गिना और फिर एक पॉलिसी बनाई, तो वो ज्यादा अच्छी होगी ना। हाँ वो टाइम कंज्यूमिंग है, ये उसका डिसएडवांटेज है, लेकिन एट द सेम टाइम इट इंश्योर्स दैट जो रूल बनता है वो सही है। अनदर एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज इट एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी में सब लोगों को इक्वल राइट्स मिलते हैं, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम और कोई रिलीजन,
मेल फीमेल किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपर कास्ट लोअर कास्ट किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीबडी एंजॉयज इक्वल राइट्स। तो आपको नहीं लगता कि हमारी डिग्निटी डेफिनेटली एनहांस हो रही है इस चीज से? आप एक एग्जाम्पल ही ले लीजिए, आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा कि वो एक बार साउथ अफ्रीका गए थे तो ट्रेन में फर्स्ट क्लास ट्रेवल करने का उनके पास टिकट था, बट ही वॉज थ्रोन आउट ऑफ द कोच बिकॉज ही वॉज ए नॉन वाइट। तो टिकट होने के बाद भी उनको बाहर निकाल दिया गया। हम में से कोई चाहेगा कि हमारे साथ ऐसा हो? बिल्कुल नहीं। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आपकी स्किन का कलर क्या है, इट डजेंट मैटर। आपको सारी फैसिलिटीज एक्सेसिबल हैं, आप उन फैसिलिटीज के लिए पे करें एंड आप उसको एंजॉय करें, कोई भी कर सकता है। अब आप इसमें यह ना सोचे कि यार अमीर खरीद सकते हैं गरीब नहीं खरीद सकते। देखिए कोई अमीर बना है, आज सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। हम ये देखते हैं कि गरीब से गरीब लोग भी बहुत सारे अमीर बन गए हैं और बहुत सारे अमीर लोग भी ऐसे हैं जो अपनी कंपनीज बेचकर जेल में बैठे हुए हैं। तो अमीर और गरीब इंसान अपनी मेहनत से भी बन सकता है। तो इससे मतलब डेमोक्रेसी का कोई डिसएडवांटेज में नहीं गिना जाता है इसको। एवरीबडी एंजॉयज इक्वल राइट्स एंड इट गिव्स डेमोक्रेसी गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू लीड अ डिग्निफाइड लाइफ। अनदर एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज इट गिव्स अस ए मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस। इंडिया में 130 करोड़ लोग हैं, आपको लगता है कि सबकी सोच एक जैसी होगी, सबका फाइनेंशियल स्टेटस सोशल स्टेटस सब चीजें एक जैसी होंगी? ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। लेकिन डेमोक्रेसी हमें चांसेस देती है, एक ऐसी हम ये हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि हम आपस में डिस्कशंस करके अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर लें और मिलजुल कर प्यार से रहें। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर डिफरेंसेस बने रहते हैं दे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन लीड्स टू डिस्प्यूट्स एंड डिस्प्यूट्स लीड टू अनहैप्पीनेस। डेमोक्रेसी अगर है तो उससे इन डिस्प्यूट्स की नौबत नहीं आती। एंड द लास्ट एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी इज इट अलाउज अस टू करेक्ट आर मिस्टेक्स। हमने एक गवर्नमेंट चुनी, द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड फॉर अ पर्टिकुलर टेन्योर, अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, इन इंडिया इट इज 5 ईयर्स। तो हमने उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए गवर्नमेंट चूज की, बट दी गवर्नमेंट डिड नॉट लिव अप टू आर एक्सपेक्टेशंस। तो क्या होगा? वी कैन थ्रो द गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर एंड वी कैन इलेक्ट अनदर गवर्नमेंट, वी कैन हैव अ न्यू लीडर। तो अगर हमने एक गलती की है तो हमें उस गलती को सुधारने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं कि एक लीडर चूज कर लिया बस अब जो भी है अच्छा बुरा वो ही रहेगा, नहीं, ये एक एडवांटेज है। और इससे जो गवर्नमेंट है वो भी अटेंटिव रहती, अलर्ट रहती है। लीडर को ये पता होता है कि मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना है जो लोगों के अगेंस्ट जाए क्योंकि आई मे नॉट रिटर्न टू पावर। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। इफ यू हैव सम फीडबैक फ्रॉम मी प्लीज लीव अ कमेंट। गुड बाय।